नमस्ते, सैन्यो के वीडियो लर्निंग सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज के इस नए वीडियो में हम जानते हैं, अगर आपके एसएससी को एलआईसी से कमीशन मिल रहा है तो उसका एंट्री सॉफ्टवेयर में कैसे किया जाता है। सो ये जानने के लिए मैं सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी मेरा जो एसएससी है जिसको एलआईसी से कमीशन रिसीव हुआ है उसे सिलेक्ट कर लिया हूँ। सो मैं सॉफ्टवेयर में आ गया। सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ आपको बिजनेस प्रोफेशन में ऑप्शन दिया हुआ है LIC कमीशन। सो यहाँ आपको कोई भी एंट्री नहीं करना है। यहाँ आपको अगर आपका डीम प्रॉफिट क्या है उसका पता नहीं है या मालूम नहीं है तो ये कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ सिर्फ एंट्री करना है। अगर आपको डीम प्रॉफिट आपका पता है सो उसका एंट्री यहाँ आपको नहीं करना है LIC की डिटेल्स में। यहाँ आपको सीधा क्लोज करना है। फिर आपको आना है बिजनेस प्रोफेशन में। बिजनेस प्रोफेशन में आने के बाद आपको यहाँ बैलेंस शीट ऑप्शन दिया है। बैलेंस शीट पे क्लिक करके आपको जाना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है कमीशन। सो यहाँ आपको कमीशन से जो भी इनकम हुआ है वो आपको यहाँ एंटर करना है। सेव करना है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। सो यहाँ आपको उसने मैसेज दिया है 44 ADA में डिटेल्स एंटर किए हैं। सो आपको ये ऑप्शन चेक करना है कि कहीं यहाँ आपकी डिटेल्स तो एंटर नहीं है। सो यहाँ ये डिटेल्स है सो डिलीट कर दीजिए, हाइड, फिर सेव। सो यहाँ हमने LIC कमीशन जो रिसीव हुआ है प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ऐड कर दिया है। फिर आपको बैलेंस शीट भी सेव करना है, क्लोज करना है। फिर आपको आना है बिजनेस प्रोफेशन में। बिजनेस प्रोफेशन न्यू यहाँ आप डाल सकते हो। फिर यहाँ आपको टिक करना है। सो यहाँ आपका नॉर्मल प्रॉफिट एज वेल एज LIC कमीशन जो रहेगा वो ऐड के यहाँ प्रॉफिट पिकअप किया जाएगा। सो LIC कमीशन की एंट्री जो है बस इतनी ही है। इसी तरीके से आपके SSC को अगर LIC से कमीशन मिल रहा है तो उसकी एंट्री इस तरीके से आप कर सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। नए वीडियो में हम आपके सामने पेश हो गए स्पेक्युलेशन प्रॉफिट, अगर आपको एंटर करना है तो उसे कैसे एंटर किया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।